जब जब यदा देवेशु गोसु विप्रेशु साधुषु धर्मे मई चविद्वेश सवा आसु विनसति। जब जब गौ पर, ब्राह्मण पर, वेदों पर, संतों पर अत्याचार दुराचार होने लगते हैं, तब तक भगवान जो है अवतरित होकर के आते हैं। तो भगवान श्री राम आए अवतरित होकर के, और राम राज बैठे त्रैलोका, हर सित भयब गयब सब सोका। राम जी आकर के राम राज्य की स्थापना की। अब देखो यहाँ इस कलयुग में कब राम राज्य आएगा इसका तो कुछ पता नहीं, पर हम चाहे तो हम अपने भीतर राम राज्य ला सकते हैं। कैसे राम राज्य लाएंगे, तो इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि देखो भाई, अगर प्रधानमंत्री को आपको यहाँ बुलाना हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, सबसे पहले उनके जो असिस्टेंट लोग होते हैं ना, वो आते हैं, देख के जांच पड़ताल परीक्षण करके जाएंगे, फिर ओके करेंगे, फिर उनसे जो बड़े हैं फिर वो आएंगे, फिर जांच पड़ताल करके ओके करेंगे, फिर वो उनसे कहेंगे। तो इस प्रकार कई प्रोसेस चलता है, तब जाकर के एक बड़ा व्यक्ति कहीं आ पाता है। तो भगवान श्री राम को अगर अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राम जी के सबसे छोटे भैया कौन है बोलिए, जानते हैं कि नहीं कौन है, शत्रुघ्न लाल जी। राम जी के सबसे भैया छोटे जो है, राम जी के सबसे छोटे भाई वो है शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल जी आएंगे तो क्या करेंगे, वो सारे शत्रुओं का दमन करेंगे, सारे शत्रुओं को मार देंगे। क्या, कौन से शत्रु, ऐसा नहीं कि अब बगल वाले से टेंशन चल रहा हो तो उसको मारेंगे, नहीं नहीं, हमारे हृदय में भी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार ईर्ष्या छल कपट द्वेष सब भरे पड़े हैं। भगवान को तो बहुत मन है हमारे हृदय में आने के लिए, पर भाई कमरा भी तो खाली होना चाहिए, हमने तो सारे कमरे फुल कर रखे हैं। तो भाई इसके लिए शत्रुघ्न लाल जी आएंगे, वो आकर के क्या करेंगे, सारे शत्रुओं को मारेंगे। पर शत्रुघ्न लाल तो शत्रु को मारेंगे पर बिना अपनी शक्ति के मार नहीं सकते हैं, तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन है, उनकी अर्धांगिनी श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति माने अपने कानों से आप भगवान की कीर्ति कथा को सुनते जाइए और शत्रुघ्न लाल जी एक एक शत्रुओं को मारते जाएंगे। आप लोग वही कर रहे हो, कानों से कथा सुन रहे हो और शत्रुघ्न लाल जी एक एक जो है हमारे हृदय में जो शत्रु बैठे हैं उनको मार रहे हैं। अब शत्रुघ्न लाल जी ने हरी झंडी दिखा दी, अब की ओके है, तो अब डायरेक्ट राम जी नहीं आएंगे, उसके बाद उनके उनसे जो ऊपर है वो आएंगे, कौन, लक्ष्मण लाल जी। तो लक्ष्मण जी आएंगे तो क्या करेंगे, लक्ष्मण जी का अर्थ जिनका लक्ष्य और जिसका मन केवल राम जी का चरण है वो लक्ष्मण है। राम जी के समर्थक बालू बंदर आदि क्यों ना रहे, केवट क्यों ना रहे, लक्ष्मण जी ने उनको स्वीकार कर लिया। और राम के विरोध में चाहे राम जी के ससुर जनक जी क्यों ना हो, चाहे वो शस्त्रधारी ब्राह्मण कुलों संपन्न परशुराम जी क्यों ना हो, चाहे राम जी के पिता दशरथ जी क्यों ना हो, राम जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लक्ष्मण जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। क्यों, लक्ष्मण जी एक ही कहते हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम बंदूरे अंतर जामी, गुरु पितु मातु न जाने ही काहू, गुरु पितु मातु न जाने ही काहू, गुरु पितु मातु न जाने ही काहू, गुरु पितु मातु न पतिया। लक्ष्मण जी जिसका लक्ष्य और जिसका मन केवल राम जी का चरण हो जाए। अब लक्ष्मण जी तो आएंगे, हमारा लक्ष्मण के हमारा लक्ष्य और मन केवल राम का चरण बन जाए,
पर लक्ष्मण जी अकेले नहीं आएंगे, उनकी अर्धांगिनी कौन है? उर्मिला। हमारा लक्ष्य और मन जुड़ेगा, पर कब? उर्मिला का अर्थ हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र लालसा जागृत हो जाए। तो हृदय में जब भगवान से मिलने की तीव्र लालसा जागृत हो जाएगी ना, तो लक्ष्मण जी लक्ष्य बना के राम जी तक पहुंचाने में सहायक हो जाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने हरी झंडी दिखा दी, महाराज अब तो ओके हो गया, अब आ जाओ। उसके बाद भी राम जी नहीं आएंगे, उसके बाद लक्ष्मण जी के बड़े भाई आएंगे, कौन? भरत लाल जी। भरत जी का अर्थ क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असहोई। भरत जी जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो भरत जी भी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपनी पत्नी के साथ आएंगे। उनकी शक्ति कौन है? मांडवी। मांडवी का अर्थ बोले जो चराचर जगत में माँ के समान, पूरे ब्रह्मांड में माँ के समान प्रेम उड़ेने लगे, वह है मांडवी। मांडवी जी यही तो करती है क्या? सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी दुग पानी, करहु प्रणाम जोरी। चराचर हम लोग कथा सुन रहे, सब कर रहे, हमको सब में सीता राम का दर्शन होने लगा, केवल मंदिर में नहीं सब में। तो मांडवी जी यही करेंगे। तो जब आपको सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा, तो क्या भगवान का ना अवशेष रहेगा क्या? भरत जी हरी झंडी दिखा देंगे, प्रभु अब तो ओके हो गया, अब आ जाओ। तो अब जो है राम जी आना चाहेंगे, पर राम जी अकेले नहीं आएंगे, राम जी अपनी शक्ति किसको भेजेंगे? सीता जी को। राम जी सीता जी के साथ आएंगे। तो जब राम जी पहले आएंगे ना, तो राम जी जब आएंगे, तो राम जी का बड़ा अच्छा अर्थ बताया गया है, रमु क्रीड़ायाम धातु से बना है राम से। राम जी जब आएंगे तो आपके हृदय में आनंद भर देंगे। क्यों? बोले राम जी आनंद स्वरूप है। वर्णन किया ना, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी, सुख धाम राम ऐसना, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी आएंगे ना, तो राम जी आपके हृदय को आनंद से भर देंगे। तो जब हृदय में आनंद भर जाएगा, तो अब कुछ शेष है क्या? बोले हृदय में आनंद तो भर गया, पर ये दैहिक दैविक ताप जो है ना, वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को। तो राम जी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपनी आलादिनी शक्ति सीता जी के साथ आएंगे। तो सीता जी क्या करेंगी? बोले शीतल छाव बन करके जीव की रक्षा करेंगी। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या करोगे? एसी लगा लोगे, कूलर लगा लोगे। वर्षा बहुत हो रही है, तो वर्षा को तो नहीं रोक सकते, तो वर्षा से बचने के लिए क्या करोगे? बोले छतरी लगा लेंगे। ठंडी बहुत पड़ रही है, तो ठंडी से बचने के लिए क्या करोगे? बोले ठंडी से बचने के लिए हम कंबल ओढ़ लेंगे, या फिर घर में और व्यवस्था कर लेंगे, आग के पास बैठ जाएंगे। तो सीता जी आएंगे तो दैहिक दैविक ताप, आग जल रहे हैं, तो इस दैहिक दैविक ताप से सीता जी शीतल छाव बन करके हमारी रक्षा करेंगी। और जब रक्षा करने लगेंगी, तो राम राज्य आ जाएगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हरषित भयब गयब सब सोका, हरषित भयब गयब स
सब सो हमारे हृदय में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। भागवत में राम कथा का ज्यादा वर्णन नहीं किया है, बस संकेत मात्र में निवेदन किया है। क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण कथा तभी समझ में आएगी ना जब राम कथा सुन लोगे, क्योंकि कृष्ण में लीला, कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीला किया। अब हम तर्क देने लगेंगे कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, इसलिए राम कथा सुनाई है। जब आप मर्यादा का चश्मा लगा करके कृष्ण चरित्र को सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको कृष्ण समझ में आएंगे, और मर्यादा का चश्मा नहीं लगाओगे तो फिर तो आपको बस खराब ही दिखेगा सब कुछ।